नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पापदा मछली फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी पॉपुलर है ये पापदा मछली, काफ़ी अच्छा प्राइस भी हमें मिलता है। अपना पॉन्ड में अगर आप इस मछली को फार्मिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है आपका तालाब में ये पापदा मछली को कितना संख्या में आप फार्मिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी मछली के साथ फार्मिंग कर सकते हैं, पूरा जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ जो है पापदा मछली के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, पापदा मछली फार्मिंग करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है पॉन्ड सिलेक्शन। आपको बहुत अच्छा एक पॉन्ड का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद उसी पॉन्ड को तैयार करना होगा। तैयार करने के लिए तालाब को बिल्कुल ही सुखा देना होगा और फिर आगे जाके जो है तालाब में चूने का इस्तेमाल करना होगा। साथ साथ आपको थोड़ा गोबर का इस्तेमाल करना होगा और इसके अलावा भी कुछ खाद का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि SSP हो गया या DAP हो गया या यूरिया हो गया। इस तरह का खाद का इस्तेमाल करके आपको अपना पॉन्ड का तालाब को तैयार करना होगा। अगर आपको नहीं पता है खाद कितना मात्रा में इस्तेमाल करना है तो आप मेरा इस वीडियो को देख के भी अपना तालाब को तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप अपना तालाब को तैयार करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका तालाब का जो पानी है वो बिल्कुल ही हरा हो जाएगा, यानी लाइट हरा कलर में आ जाएगा। पानी में अच्छा खासा नेचुरल फीड या प्लांटन बन जाएगा। इसके बाद जो चीज़ होता है आपका पापदा मछली का स्टॉकिंग। इसको भी स्टॉकिंग दो तरीका से किया जा सकता है, एक है मिक्स फार्मिंग, दूसरा है सिंगल फार्मिंग। तो अभी मैं आपको सिंगल फार्मिंग के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सिंगल फार्मिंग में सिर्फ पापदा मछली को फार्मिंग किया जाता है, इसमें दूसरा कोई मछलियाँ रहता नहीं है। इसीलिए आप अगर एक एकड़ तालाब में इसको फार्मिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 20,000 से लेकर 25,000 पापदा मछली को स्टॉकिंग करें। हमेशा कोशिश करें थोड़ा बड़ा साइज़ का पापदा मछली को स्टॉकिंग करने के लिए। 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच साइज़ का मछली को अगर आप अपना तालाब में स्टॉकिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। और इस मछली का ग्रोथ रेट के बारे में बात करूँ तो लगभग आपको 7 से 8 महीने का समय लगता है। इसीलिए आप अगर पापदा मछली जैसा मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं जिसमें 7-8 महीने का समय लगता है, इस दौरान आपको पॉन्ड जो सिलेक्शन करना है उसमें लगभग आपको 7-8 महीना पानी रहना चाहिए। इस तरह का पॉन्ड में ही आप पापदा मछली को फार्मिंग करें। अगर इस तरह का पॉन्ड आपके पास नहीं है तो आप इस मछली को फार्मिंग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि यह 7 से 8 महीने से पहले होगा नहीं। इस मछली का फिश फीडिंग के बारे में बात करूँ तो ये इस मछली को लगभग 30% प्रोटीन का ज़रूरत होता है और ये छोटा छोटा साइज का जो दूसरा मछली है उसको भी खाती है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप अलग से कोई एक्स्ट्रा लाइव फिश फीड दे सकते हैं तो उसमें जल्दी से ग्रोथ आएगी। दोस्तों, इस मछली को दिन में 2 बार फीडिंग कराना होता है, इसीलिए कोशिश करें 2 बार फीडिंग कराना। और ये मछलियाँ लगभग रात को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसीलिए एक बार दिन में फीडिंग कराएं और एक बार रात को फीडिंग कराएं तो सबसे बेहतर होगा, आपका मछली में ग्रोथ भी अच्छा खासा आएगा। दोस्तों, इस मछली का फिश फीड भी 2 तरह से मिलता है। एक है जो कंपनी वाला फिश फीड है उसको खरीद के आप इस मछली को खिला सकते हैं और दूसरा है होममेड फिश फीड। अगर आप चाहते हैं तो खुद बना के इस मछली के लिए फिश फीड तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं होममेड फिश फीड बनाने का तरीका जानने के लिए तो मुझे कमेंट करना। जैसे मैंने पंगासिया के बारे में एक फिश फीड बनाने का तरीका दिखाया था, उसी तरह से पापदा मछली का जो फिश फीड है उसको बनाने का एक तरीका आपको दिखा दूंगा, जिससे आप खुद ही फिश फीड बना के आप इस मछली को खिला सकते हैं। दोस्तों, जब अपना तालाब में पापदा मछली का स्टॉकिंग करेंगे छोटा साइज़ का मछली को, तब उसका बॉडी वेट का 12% फिश फीडिंग आपको कराना होगा। फिर 15 दिन बाद इस मछली को दोबारा आपको चेक करना है। आपको इस मछली को चेकिंग के दौरान इसका बॉडी वेट निकालना है। अगर वेट निकाल के सिर्फ उसमें 1% घटा देना है, यानी पहले 12% था, अभी 11% होगा। फिर और 15 दिन बाद मछली को चेक करना, फिर इसमें से 1% घटा देना, फिर हो जाएगा 10%। इस तरह से परसेंट घटाते घटाते आपको 5% तक आके रुक जाना है। दोस्तों, जब आपका तालाब में मछली का 5% तक आ जाए फिश फीडिंग देने का बारी, तब तक आपका मछलियाँ कम से कम 30 ग्राम का हो जाना चाहिए और हार्वेस्टिंग का टाइम भी नज़दीक आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस मछली को फार्मिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको मिक्स फार्मिंग करने का जो तरीका है उसके बारे में बताता हूँ। बहुत सारे किसान भाई है पापदा मछली को सिंगल फार्मिंग नहीं करना चाहते, वो मिक्स फार्मिंग करना चाहते हैं। इसके लिए कौन कौन सी मछली आप अपना तालाब में छोड़ सकते हैं और कितना संख्या में छोड़ सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले पापदा मछली आपको छोड़ना है 5,000 पीस। इसके साथ आप सिंगी मछली का भी फार्मिंग कर सकते हैं, इसके लिए सिंगी मछली छोड़ना है 10,000 पीस। इसके साथ आप कातल मछली को फार्मिंग कर सकते हैं और उसका संख्या होगा 500 पीस। रेहू मछली को आप फार्मिंग कर सकते हैं, उसका संख्या होगा 1,000 पीस।
और नैनी यानी मिरिक मछली का भी फार्मिंग कर सकते हैं, इसका संख्या होगा 1000 पीस। साथ में सिल्वर का भी आप छोड़ सकते हैं, इसका संख्या होगा 200 पीस। साथ में ग्रास का मछली को भी फार्मिंग कर सकते हैं 200 पीस। ये जो मैंने हिसाब बताया ये असल में एक एकड़ तालाब के लिए है। एक एकड़ तालाब में इस तरह से आप मछली को छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस मछली की बीमारी के बारे में बताओ तो इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अपना तालाब को ठीक से मेंटेन करते हैं, पानी को पीएच को बैलेंस करके रखते हैं, समय समय में चूने का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं या जिओलाइट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करके आपका पॉन्ड का जो पानी है उसको मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत देखने को मिलता है वो है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी नाम का एक बीमारी होता है जिसमें इसका पेट फूल जाता है, पित्त में पानी जम जाता है, तो उसको भी आप बहुत आसानी से ठीक सकते हैं। इसके लिए नमक का इस्तेमाल करना होता है। नमक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें नमक के सारा इस्तेमाल के बारे में मैं बता चुका हूं कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद इंड स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा, सीधा क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके सोशल मीडिया के में इस वीडियो को शेयर करना जिससे दूसरा किसान भाई भी इसमें इन्फॉर्मेशन को पा सके। दोस्तों मैंने इस मछली का सिंगल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग दोनों के बारे में बताया। सबसे फ़ायदा जो मछली के साथ इस मछली को फार्मिंग करने से होता है वो है तेलापिया। अगर आप तेलापिया मछली के साथ इस मछली को फार्मिंग करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पता है वो कैसे? जैसे कि हम लोग जानते हैं तेलापिया मछलियाँ हाइब्रिड या हो या नॉर्मल हो, ये मछलियाँ बच्चा बहुत ज़्यादा देती है। तो ये जो पबदा मछली है काफ़ी बच्चा खाती है या छोटा छोटा लाइव फीड खाना पसंद करती है। अगर आप तेलापिया मछली के साथ इस मछली को फार्मिंग करते हैं तो ये इसका जो बच्चा होगा ये पबदा मछली बहुत ज़्यादा खाएगी। इससे पबदा मछली में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है और बहुत ही जल्दी ये ग्रो में आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप तेलापिया मछली के साथ पबदा मछली को फार्मिंग करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप चाहें तो दो मछली को फार्मिंग कर सकते हैं, यानी तेलापिया और पबदा, ये दो मछली मिला के भी आप मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है। लेकिन आप अगर मिक्स फार्मिंग में तेलापिया सिंगी रेहू मिरिक जैसे कि मैंने पहले बताया उसके साथ तेलापिया मछली भी छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो उसमें सिर्फ आप 200-300 पीस हाइब्रिड तेलापिया को छोड़ देना, क्योंकि देसी तेलापिया छोड़ना थोड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बच्चा देती है, लेकिन हाइब्रिड मछलियाँ बहुत कम संख्या में बच्चा देती है। ऊपर से तो आप फिश फिट कराएंगे ही, तो इसीलिए तेलापिया हाइब्रिड छोड़ना, क्योंकि ये 6 महीना बाद जो है उसमें 2% बच्चा देती है, तो बाकी मछलियाँ ग्रोथ में आएगी, जो 2% बच्चा होगा वो पबदा मछली बहुत आसानी से खाएगी। तो इस तरह से आप तेलापिया के साथ ही इस मछली को भी फार्मिंग कर सकते हैं, मिक्स फार्मिंग में भी कर सकते हैं। तो इतना जितना जानकारी मेरे पास था मैं दे दिया। ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा फिर भी बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।